गाजीपुर, शादी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 8 आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर फर्जीवाड़ा करने और कीमती सामान व गहने लेकर फरार होने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 पुरुष और 5 महिलाओं समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शादी के नाम पर पीड़ित के भाई रुपेश शाक्य को फर्जी रिश्तेदार बताकर आरोपी पक्ष ने नकली आधार कार्ड बनवाए। शादी के दौरान 3 ग्राम सोने का मंगलसूत्र, 8,200 रुपए का कपड़ा और 1,00,000 रुपए नगद हड़प लिए। शादी के बाद आरोपी दुल्हन के साथ कीमती सामान लेकर फरार हो गए। गिरोह ने पहले भी हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसी तरह के अपराध को अंजाम दिया था कि ठिकानों से हुई। आरोपियों के पास से 7 एंड्रॉइड और 2 कीपैड मोबाइल बरामद हुए। गिरोह के सरगना हरीश चंद्र यादव और सोनी उर्फ नजमुनीशा बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में कुसुम दुल्हन, कृष्णकांत राम पिता, करण कुमार भाई, भीमराम भाई, रंजना बहन, सोनी उर्फ नजमुनीशा बहन, गीता देवी चाची, इंदु देवी चाची। गिरफ्तारी में थाना करीमुद्दीन के निरीक्षक बाल मुकुंद दुबे और उनकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस ने बताया कि गिरोह से जुड़े अन्य अपराधों की जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपियों पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के कई मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। 24 को थाना करीमुद्दीनपुर पर एक लुटेरी दुल्हन के गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के कुल 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। यह गैंग शादी कराने के नाम पर एक दूसरे के फर्जी रिश्तेदार बनकर अपने गैंग की एक लड़की की शादी कराते थे तथा शादी के उपरांत पैसा और कीमती जेवरात तथा गहने लेकर फरार हो जाया करते थे। जब इस गैंग के मेंबरों से पूछताछ की गई तो यह पता चला कि यह गैंग अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं कार्य करता रहा है। इस गैंग के द्वारा हरियाणा तथा राजस्थान में भी इस तरह का फर्जीवाड़ा किया गया है, जहां पर इनके द्वारा शादी कराने के नाम पर झांसा दिया जाता था और उसके बाद पैसे और गहने लेकर फरार हो जाया जाता था। इस गैंग की सरगना एक महिला है जिसका नाम सोनी उर्फ नजमुनीशा है। यह विवाहित है, इसके पति का नाम मोहम्मद मुमताज है तथा ये थाना करीमुद्दीनपुर की रहने वाली है। सुसंगत धाराओं में थाना करीमुद्दीनपुर पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।